Hello everyone, I hope you all are fine at your homes and you must be relaxed and freshen up your mind after a little break. So let's get on to the work now. Today we will start the fifth chapter and its name is Minky Calls His Friends. But before starting your chapter, you have to mention first date and the day on the page number. And then we will start reading the chapter. Before starting the chapter, we will see a small activity which is given to you. Circle the words that you think are associated with strong. कि उन words को circle करना है जो storm यानी कि आंधी के साथ related हैं. जो भी words आप लोगों को लग रहा है के साथ related हैं, you have to circle those words. So now let's get on to the story. देखते हैं story में क्या है. ये कहानी दो friends की है कि जब एक friend मुसीबत में होता है तो दूसरा friend उसकी कैसे मदद करता है. So let's read the story now. The strong winds are blowing with heavy rain. कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा के साथ साथ बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है. There is a storm in the jungle, कि जंगल में बहुत ही तेज़ आंधी भी आ चुकी है. The birds and the animals are in their shelter, जो birds हैं और जो animals हैं वो अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने जो उनका रहने की जगह है, जिसे हम आश्रय भी कहते हैं, उनमें बैठे हैं. सम ऑफ देम आर स्लीपिंग, सम ऑफ देम आर वॉचिंग द हैवी रेनफॉल. कि जो कुछ बर्ड्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं वो सो रहे हैं, और कुछ बर्ड्स और जो एनिमल्स हैं वो जो इतनी तेज़ बारिश हो रही है उसे देख रहे हैं. रॉबिन इज इन हर नेस्ट, रॉबिन एक बर्ड है, कहते हैं कि वो अपने नेस्ट में थी. She is afraid of winds and heavy rain. जो इतनी तेज़ आंधी आ रही है और उसके साथ साथ इतनी तेज़ बारिश है, जो रॉबिन है वो उससे डर रही थी, उसे उस चीज़ से डर लग रहा था. She is huddled up in her nest. वो एक तरह अपने नेस्ट में छिप कर बैठी थी, बिल्कुल डरी हुई सी थी वो. The tree on which she has her nest is shaking. और जिस ट्री पे उसका जो घोंसला था वो हिल रहा था, क्योंकि जो ट्री था वो भी बारिश और आंधी की वजह से हिल रहा था. All of sudden her nest falls down and with a gust of wind. कि अचानक से क्या होता है, जो उसका घोंसला होता है वो उस पेड़ से गिर जाता है जैसे ही हवा का तेज़ झोंका आता है. जो रॉबिन है उसका जो घोंसला होता है वो गिर जाता है. पुअर रॉबिन, शी इज़ वेट एंड वेरी सैड. बेचारी रॉबिन, क्योंकि अब वो भीग भी चुकी थी और उदास भी हो गई थी, क्योंकि जो उसका घोंसला था वो गिर चुका था. द रेन हैज़ स्टॉप्ड नाउ, सून हर फ्रेंड मिंकी द मॉन्की कम्स हेयर. क्या होता है कि जो बारिश होती है वो रुक जाती है और जो उसका दोस्त होता है मिंकी, वो एक बंदर है और उसका नेम क्या है, मिंकी है, तो वो उसके पास आ जाता है. डोंट वरी My dear friend, he tells Robin. तो वो रॉबिन को कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, कि तुम परेशान मत हो. We will do something. कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे. He blows on Robin and dries her feather. कि वो एकदम से हवा देता है रॉबिन को और जो उसके पंख गीले होते हैं उनको सुखा देता है. बाय देन द स्ट्रॉम इज़ ओवर. तब तक क्या होता है, जो स्ट्रॉम होती है, आंधी होती है, वो बिल्कुल बंद हो जाती है. वेदर इज़ काम. और अब क्या होता है, जो मौसम है वो बिल्कुल शांत हो चुका होता है.
Minky and Robin go to the place where Robin's broken nest was lying. तो अब क्या होता है, जो मिंकी और रॉबिन होते हैं वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे रॉबिन का जो घोंसला होता है वो टूटा और बिखरा पड़ा होता है. Look, Minky, Robin says. Look at these twigs and feathers. तो रॉबिन मिंकी को कहता है कि मिंकी देखो, ये मेरा टूटा हुआ घोंसला, यहाँ पे सारे जो टहनियाँ हैं और पंख हैं जिससे मेरा जो घोंसला था वो मैंने बनाया था, वो सारे बिखरे पड़े हैं. दिस वॉज़ माई नेस्ट, कि जो इन टहनियाँ और जो पंख थे मैंने इकट्ठे करके घोंसला बनाया था, ये मेरा नेस्ट है. आई एम होमलेस नाउ, अब मैं बेघर हो चुकी हूँ. टीयर्स रोल डाउन हर फेस. तो जब वो मिंकी को ऐसा कहती है कि मैं बेघर हो चुकी हूँ, तो जो उसके आंसू हैं वो आँखों से निकलकर चेहरे पर आ जाते हैं. जब आप रोते हो तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना, तो वैसा ही रॉबिन के साथ हुआ. मिंकी सेज, माय डियर फ्रेंड, आई हैव एन आइडिया. तो जो मिंकी होता है वो कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास एक आइडिया है. यू विल सून हैव योर नेस्ट एट इट्स प्लेस, कि जो तेरा घर है, जो तेरा घोंसला है, वो अपनी जगह पे जल्दी ही होगा. रॉबिन आस्क, बट हाउ. रॉबिन उससे पूछती है कि ये कैसे हो सकता है. मिंकी रिप्लाइज, हैव फेथ इन योर फ्रेंड एंड वेट फॉर सम टाइम. वो कहता है कि अपने दोस्त के ऊपर यकीन रखो और कुछ देर के लिए रुको. मिंकी कॉल्स हिज फ्रेंड्स, ही कॉल्स द जिराफ, द डव एंड द पिजन. तो जो मिंकी होता है वो अपने और दोस्तों को बुलाता है. कौन कौन होते हैं? द जिराफ, द डव एंड द पिजन. ही आस्क्स देम टू हेल्प हिम इन कलेक्टिंग ट्विग्स, फीदर्स एंड द लीव्स. तो मिंकी अपने दोस्तों को कहता है कि आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो क्या इकट्ठे करने में टहनियाँ, पंख और कुछ पत्ते. मिंकी एंड हिज फ्रेंड्स कलेक्टेड एंड मेड अ पाइल ऑफ लीव्स, फीदर्स एंड ट्विग्स. मिंकी और जो उसके दोस्त होते हैं उन्होंने लीव्स, फीदर्स और ट्विग्स को इकट्ठा कर करके एक ढेर लगा लिया है. पाइल का मीन्स होता है ढेर लगाना. रॉबिन पुट देम टुगेदर, शी सेज हैप्पीली, लुक, माई नेस्ट इज बिगर एंड मोर कम्फर्टेबल दैन अर्लियर वन. अब जो रॉबिन होती हैं, जो वो उन्होंने ढेर लगाया था ट्विग्स का, फीदर्स का और लीव्स का, उनको क्या करती है, वो उनको एक साथ जोड़ के रख देती है और जैसे उसने अपना नेस्ट बनाना होता है वो अपना नेस्ट उन तीनों चीज़ों से बना लेती है. और अब वो बहुत खुश होती है और कहती है कि ये जो मेरा घोंसला है वो पहले वाले से बड़ा भी है और ज़्यादा आरामदायक है. थैंक्स अ लॉट डियर फ्रेंड्स, रॉबिन सेज टू मिंकी एंड हिज फ्रेंड्स. तो जो रॉबिन होती है उस वो अपने फ्रेंड्स को थैंक्स कहती है, धन्यवाद करती है मिंकी का और मिंकी के दोस्तों का. मिंकी सेज, सून यू विल हैव योर क्यूट बेबीज, देन यू हैव टू थ्रो अ पार्टी फॉर अस, कि जल्दी तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे होंगे और फिर तुम्हें हमारे लिए एक पार्टी थ्रो करनी पड़ेगी. रॉबिन स्माइल्स एंड सेज, यस आई विल. रॉबिन स्माइल करती है और कहती है कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगी. मिंकी एंड हिज फ्रेंड्स गो टू देयर होम्स, और मिंकी और जो उसके दूसरे दोस्त होते हैं वो अब घर पे चले जाते हैं. सो दिस वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द फ्रेंड्स. सो इसी तरह आप लोगों को भी क्या करना है, जब भी आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो किसी मुसीबत में हों तो आप लोगों को उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए. जैसे मिंकी ने रॉबिन की मदद की जब वो मुसीबत में थी.
So I hope you must understood the story very well. You have to read the chapter and at the same time try to find out the exercise, like fill in the blanks, tick the correct, read the chapter carefully. And along with that, I will also say that you have to do your work daily, on daily basis. जिस दिन जो भी काम दिया जाता है आप लोगों ने वही काम उसी दिन करना है, अगले दिन के लिए वो काम नहीं रखना. आई होप यू हैव गॉट इट एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.